दाखिल न होने के आरोप से जुड़े एक धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इवेंट मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार 2018 में इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड में उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को बुलाया था। कार्यक्रम में आने के लिए 29,92,000 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा नहीं पहुंचे। प्रमोद कुमार शर्मा की माने तो कानूनी कार्यवाही नहीं करने के लिए उनको धमकी भी दी गई और इसी को लेकर ये केस चल रहा है। बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और उनके साथ अभिषेक सिन्हा समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। दोस्तों आपको क्या लगता है, सोनाक्षी को जेल होगी भी या नहीं? गाइस आमतौर पर लोग स्वस्थ रहने के लिए सीधा चलते या टहलते, लेकिन क्या आपने कभी फिट रहने के लिए उल्टा चलने की कोशिश की है? अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि उल्टा चलने से कौन से स्वास्थ्य के फायदे हो जाएंगे, लेकिन रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि उल्टा चलने से सेहत को कई तरीके के फायदे होते हैं। जब आप उल्टा चलते हैं तो आपके घुटनों का दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। पीछे चलने के दौरान अधिक ताकत लगानी पड़ती है, इससे पैरों की मांसपेशियों को एक्सरसाइज हो जाता है। जब आप उल्टा चलते हैं तो शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है और साथ ही मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट के बारे में जानते थे और क्या आप उल्टा चलते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।